नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9 हिंदी कोर्स ए विषय के अंतर्गत पाठ लासा की ओर लेकर आए। तो इस पाठ में आज हम सिर्फ बात करेंगे लासा की ओर पाठ के सार अथवा समरी की। तो चलो समझते हैं। नमस्कार, पाठ लासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृतायन। लासा की ओर पाठ का सार। सबसे पहले हम सुमति का परिचय जान लेते हैं। वह लेखक को यात्रा के दौरान मिला जो एक मंगोल बिच्छू था। उसका नाम लब्ज शेख था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ। अपनी सुविधा के लिए लेखक उसे सुमति कहकर बुलाता था। अब पाठ का सार शुरू करते हैं। लासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है। इस पाठ में राहुल सांकृतायन ने नेपाल से तिब्बत की यात्रा का रोमांचक वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग है। चूंकि उस समय भारत के लोगों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगों के वेश में की थी। लेखक ने यात्रा बहुत वर्ष पहले की थी, जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था। तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया। तिब्बत में जात पात छुआछूत नहीं है। वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती हैं। निम्न स्तर के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी अपरिचित व्यक्ति भी घर के अंदर जा सकता है और वह घर की किसी भी महिला को चाय, मक्खन और सोडा, नमक आदि देकर अपने लिए चाय बनवा सकता है। अगर आपको भरोसा ना हो कि वह तुम्हारा सामान निकाल लेंगे, तो आप जाकर देख भी सकते हैं। प्रत्येक चीनी किले से जब लेखक चला, तो एक आदमी रायदारी मांगने आया। लेखक ने उस व्यक्ति को 2 चिटें दे दी। चिटें यानी कपड़े का टुकड़ा। रायदारी देकर तोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहां सुमति की जान पहचान के कारण ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे। तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और एक गरीब के झोपड़े में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। अगले दिन राहुल जी और उनके मित्र सुमति जी को एक खतरनाक जगह डांडा थोंगला पार करना था। ये तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिखाई पड़ रहे थे। यह डाकुओं के छिपने की सबसे अच्छी जगह थी। कानून व्यवस्था ठीक ना होने के कारण डाकू लोगों को लूट कर उनका खून कर देते थे। लेखक और उनका मित्र भिखारी के वेश में थे, इसलिए उन्हें हत्या का भय नहीं था, परंतु ऊंचाई का डर बना था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जहां उन्हें दक्षिण पूर्व की ओर बर्फ और हरियाली ना होने के कारण नंगे पहाड़ दिखे। सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। उतरते समय लेखक का घोड़ा धीमे चलने के कारण थोड़ा पीछे चलने लगा और वे रास्ता भटक गए, जिसकी वजह से वे 1.5 मील आगे चले गए और रास्ता और पता चलने पर वापस आकर दाहिने तरफ चल पड़े, जिससे लेखक को देर हो गई। देर होने के कारण सुमति नाराज हो गया, परंतु जल्दी गुस्सा ठंडा हो गया और वे लंगकोर में एक अच्छी जगह पर रुके। वे अब तिंगरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई दे रही थी, जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। आसपास के गांवों में सुमति की जान पहचान वाले बहुत थे। वे उनसे मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने मना कर दिया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। वे सुबह देर से निकले, जिसके कारण उन्हें तेज धूप का सामना करना पड़ रहा था। सुमति यजमान से मिलना चाहता था, इसलिए उसने बहाना बनाकर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों मठ कहलाते हैं। जिस घर में या झोपड़ी नुमा मकान में
बहुत बिच्छू रहते हैं उसी को हम मठ कहते हैं। के अधीन था, अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे। लेखक शेखर बिहार की खेती के मुखिया बिच्छू नमसे से मिले। वहाँ एक मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी। पोथियाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखी थी। एक एक पोथी 15-15 शेर की रही होगी। लेखक वहीं आसन जमाकर पुस्तकों में रम गया। इसी समय सुमित ने निकट के अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा तो उसने अनुमति दे दी। शेर लगभग 4.5 किलो को कहते हैं। दोपहर तक सुमिति वापस आ गया। चूंकि तिंगरी वहां से बहुत दूर नहीं था, अगले दिन उन्होंने अपना सामान पीठ पर रखा और नमसे से विदा लेकर चल दिए। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अब फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।